हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग दो मेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारे बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट यहां पर चल रहे थे पात्रता परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसी क्रम में ये हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा, जिसमें हम 10 क्वेश्चन करते हैं और पूरा एनालिसिस आपको इन क्वेश्चनों का देते हैं। तो इन 10 क्वेश्चनों के माध्यम से आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसने भी पहले थ्योरी वाली क्लासें नहीं देखी हैं, आप देख सकते हैं, लगभग 65 प्लस क्लासें बायोलॉजी मेंस परीक्षा के लिए थ्योरी की हो गई हैं, तो उनकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर जिस तरीके से हमने थ्योरी को कवर किया था, सबसे पहले सजीव जगत स्टार्ट किया, जिसमें हमने कोशिका से स्टार्ट किया हुआ था, तो उसी क्रम में ये प्रैक्टिस सेट हैं हमारे, जिसमें सबसे पहले कोशिका के बेसिक से बनने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में किए थे। फिर सेकंड में आपके विभिन्न जो कोशिकांग हमने थ्योरी में पढ़े हुए थे, जैसे माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम क्या होता, राइबोसोम क्या होता है, गाल्जी उपकरण क्या होता है, इससे जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे आपको प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड में करवा दिए थे, ठीक है। फिर प्रैक्टिस सेट थर्ड में कुछ छूट गए थे सेल ऑर्गनल्स यानी कोशिकांग, तो उनको कवर किया, और कुछ इंपॉर्टेंट जो खोजें हैं आपकी कोशिका से संबंधित, जैसे केंद्रक की खोज किसने की थी, या फिर जैसे आपका माइटोकांड्रिया है उसकी खोज किसने की थी, तो ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। आज के सेशन में हम जो कोशिका के प्रकार होते हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को आज के प्रैक्टिस सेट में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चनों की संख्या पर कतई ध्यान नहीं देना है, भले ही क्वेश्चनों की संख्या कम है, लेकिन आप इसके पूरे एनालिसिस को देखिएगा, आपकी बहुत सारी तो थ्योरी यहाँ पर रिपीट हो जाएगी और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। हो सकता है आपके पास में अब दोबारा से इन चीज़ों को पढ़ने का समय ना मिले, क्योंकि अब आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, तो अभी जितना समय है आप उसमें बहुत अच्छी तैयारी करिए, समझ कर चीज़ों को गेन करिएगा, ताकि आप यदि दोबारा इनको समय ना भी दे पाएँ तो इनको आप कर पाएँ, ठीक है। तो आइए, आज का जो प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, और इसमें भी हम कोशिका से बनने वाले क्वेश्चन ही देखेंगे, जिसमें यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और जो जंतु पादप कोशिका होती है, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले जो प्रैक्टिस सेट थे वहाँ तक हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। अब इन 40 क्वेश्चनों के माध्यम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन क्रमांक रहेगा वो 41 होगा, जिसमें देखिए दिया गया है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आप इनके आंसर भी लगाते जाइए, और अंत में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता यूकैरियोटिक की नहीं है, तो ये क्वेश्चन बस आप यहाँ देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आप बताइए, और फिर आपका यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या कहलाती हैं उनको हम अच्छे तरीके से कवर करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि यदि आपने थ्योरी पढ़ भी ली है और थोड़ा बहुत भूल भी गए हैं तो यहाँ आपकी जो चीज़ें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यूकैरियोटिक की विशेषता नहीं है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पीछे नहीं है दिया होता है जिस पर हम ध्यान नहीं देते और क्वेश्चंस के आंसर गलत कर देते हैं, तो थोड़ा सा आप समझ करके क्वेश्चन को पढ़िएगा, ताकि आप हर एक क्वेश्चन के आंसर को सही टिक कर पाएँ। तो दिया है यूकैरियोटिक की कौन सी विशेषता नहीं है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ कहा गया है कि न्यूक्लियस अच्छे तरह से व्यवस्थित है, तो आपकी जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें न्यूक्लियस अर्थात आपका जो केंद्रक है, जो नाभिक है, वो पाया जाता है, माइटोकांड्रिया उपस्थित होता है, ये भी इसकी विशेषता है, हमें नहीं है बतानी है, प्लाज्मा झिल्ली भी इसमें मौजूद होती है, पादप कोशिका में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है जो कि गलत है, जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें आपका क्लोरोप्लास्ट उपस्थित रहता है ना कि अनुपस्थित, क्योंकि जब तक पादप कोशिकाओं में जो क्लोरोफिल है उसी के कारण तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और यहाँ पर कहा गया अनुपस्थित, तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए अब इनमें अंतर देख लेते हैं हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि आगे जब हम 5 जगत वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ आपको हर एक जगत में इनके लक्षण आपको बार बार रिपीट होंगे, कि ये जो वर्ग है ये प्रोकैरियोटिक का है, इसमें प्रोकैरियोटिक जीवधारी हैं, इसमें जो है यूकैरियोटिक हैं, तो आपको यही समझना है कि ये होते क्या हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल जो है इनमें केंद्रक कला नहीं होती। अब आप केंद्रक कला इसीलिए कह रहे थे कि जो पिछले प्रैक्टिस सेट हैं या जो थ्योरी वाले लेक्चर हैं आप उनको देखिए, अब यहाँ आ गया केंद्रक कला, तो इसकी थ्योरी भी आपको करवाई है और पिछले जो प्रैक्टिस सेट हैं उसमें इसके क्वेश्चन भी करवा दिए कि केंद्रक कला होती क्या है। केंद्रक कला को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इसी को कहते हैं। तो जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं आपको बस इतना ध्यान रख लेना है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें आपके जो कोशिकांग हैं वो अनुपस्थित रहते हैं कुछ कोशिकांगों को छोड़ करके, ठीक है। बाकी जो यूकैरियोटिक आपकी कोशिका होगी उसमें सारे के सारे आपके कोशिकांग उपस्थित रहेंगे कुछ को छोड़ करके, ठीक है। तो कुछ तो अपवाद में ही रहते हैं, ये भी ध्यान रखना। यूकैरियोटिक में सारे कोशिकांग जैसे माइटोकांड्रिया हो गया आपका, गाल्जी उपकरण हो गया आपका, राइबोसोम हो गए, सब उपस्थित होंगे, लेकिन आपके जो प्रोकैरियोटिक रहेंगे इनमें अनुपस्थित होते हैं। अब एक बात आती है, जैसे कोई भी कोशिका है चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, मान के चलिए आपकी कोशिका है कोई तो इसमें केंद्रक होगा, आपकी पादप कोशिका है उसमें भी केंद्रक होगा, लेकिन आपके जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें केंद्रक कला नहीं होती है। केंद्रक कला का मतलब झिल्ली नहीं होती। इसका कार्य क्या होता, केंद्रक झिल्ली का, कोशिका को सहारा प्रदान करना, ठीक है। इस प्रकार केंद्रीय जो पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। अभी हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया कि एक तो आपका जो है केंद्रक है और एक कोशिका है, तो कोशिका के अंदर जो आपका तरल चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य, और केंद्रक के अंदर जो भरा होता उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो अब जब इसमें केंद्रक कला ही नहीं है, क्या नहीं है, केंद्रक के चारों ओर कोई झिल्ली ही नहीं है, तो इसमें जो केंद्रकीय पदार्थ है वो कहाँ रहेगा, इसी कोशिका द्रव्य में रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो केंद्रक होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, आपके आनुवंशिक पदार्थ यानी DNA। कल बताया था कौन कौन से दो कोशिकांग हैं जिनमें DNA उपस्थित है, तो एक तो माइटोकांड्रिया हो गया और दूसरा हो गया आपका केंद्रक। तो इसमें जो है गुणसूत्र के स्थान पर, गुणसूत्र जब केंद्रक कला ही नहीं है, केंद्रक ही नहीं है, तो फिर गुणसूत्र कहाँ होगा, तो गुणसूत्र के स्थान पर हिस्टोन प्रोटीन रहित DNA के धागे होते हैं। ऐसी कोशिकाओं में पूर्ण रूप से विकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। ये कोशिकाएँ अर्थात वास्तविक केंद्रक रहित प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नीले हरे शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा और जीवाणुओं में पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक में आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे, इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक कला नहीं होती, और जब केंद्रक कला, चीज़ों को जोड़ करके पढ़िए, केंद्रक कला नहीं है, तो जब केंद्रक कला ही नहीं है, केंद्रक स्पष्ट नहीं है, तो जो DNA होता उसके स्थान पर क्या पाया जाएगा, आपका DNA नहीं पाया जाएगा, मतलब हिस्टोन प्रोटीन रहित DNA के धागे होंगे, ठीक है। और जो कोशिका द्रव्य है वो कहाँ बिखरा होगा, आपका कोशिका केंद्रक द्रव्य कहाँ बिखरा होगा, कोशिका द्रव्य में। अब देखिए यूकैरियोटिक जो क्या होती हैं, यूकैरियोटिक अब आपको समझना है, इसमें स्पष्ट केंद्रक भी होगा आपका, और जब केंद्रक होगा तो उसमें उपस्थित DNA भी होगा, DNA होगा तो बाकी की जो अन्य कोशिकांग हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, ठीक है। अब हम दोनों में अंतर देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक में लगभग सभी कोशिकांग क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, और प्रोकैरियोटिक में क्या रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। अब देखिए ये आदिम कोशिकाएं हैं और ये सुविकसित कोशिकाएं हैं। सुविकसित का मतलब इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, इसमें अविकसित होता तो है लेकिन अविकसित रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें केंद्रक कला केंद्रिका अनुपस्थित होती है, मतलब केंद्रक जब अविकसित है तो जो केंद्रक कला है वो कैसी होगी, अनुपस्थित होगी, इसमें ये चीज़ें उपस्थित रहेंगी। अब जो प्रोकैरियोटिक हैं इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जो हैं या कोशिका अंगक जो हैं, जो कोशिका के अंग माने जाते हैं, जैसे गाल्जी काय या गाल्जी तंत्र कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, हरित लवक, माइटोकांड्रिया, ये सब इसमें नहीं होते हैं, जबकि आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सब के सब कोशिकांग उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। जबकि आपके यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किससे बनी है, सेल्यूलोज से बनी होती है।
इनकी कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक की कैसी होती है, पतली, जबकि यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। तो यहाँ जितने भी आप ये अंतर देख रहे हैं, हर एक से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, इनमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें जो रिक्तिका है, रिक्तिका यानी जो आपकी वैक्यूल्स होती है वो अनुपस्थित रहती है, जबकि इसमें उपस्थित होती है। तो ये रिक्तिका क्या होती है, इसमें जो है जल परिवहन, जल उपस्थित रहता है, ठीक है। अब देखिए, लैंगिक जनन इसमें नहीं होता है, ठीक, इनमें लैंगिक जनन होता है। कोशिका जो विभाजन होता है यहाँ पर, वो विखंडन अथवा मुकुलन के द्वारा होता है, और इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होगा यहाँ पर, और यहाँ श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगा। इसमें जो राइबोसोम है वो 70 एस प्रकार के होते हैं, इसमें 80 एस प्रकार के होते हैं। तो आई होप आप यहाँ पर आपकी जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनको आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से भिन्न है किस कारण से। तो क्या अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, प्रोटीन का जुड़ाव, फ्लेजिला की 9+2 संरचना, या क्रोमोसोम। तो इसका आंसर आपको बताना है किस कारण से ये भिन्न है एक दूसरे से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, क्योंकि आपकी जो यूकैरियोटिक है उसमें तो ये स्पष्ट रूप से होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में आपकी जो केंद्रक कला है, झिल्ली जो है वो अनुपस्थित रहती है, ठीक है, इसी कारण से इनमें अंतर है। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक सेल में कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। तो अभी हमने देखा यूकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, तो ये किससे बनी होती है आपको बताना है इसका आंसर। तो ये किससे बनी होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फास्फोलिपिड से। किससे बनी होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यूकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड। अब दिया है सबसे छोटी ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है। प्रोकैरियोटिक, अब यहाँ जैसे क्वेश्चन में आया प्रोकैरियोटिक, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि प्रोकैरियोटिक मतलब स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, केंद्रिका जो वो भी अनुपस्थित होती है। केंद्रिका की खोज किसने की थी, फेलिक फोंटाना ने की थी। अब जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें विभिन्न सारे कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो यही पूछा, सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये एक कोशिकीय जीव है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। थ्योरी वाली क्लास आप जब देखेंगे तो वहाँ हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी, सबसे छोटी ज्ञात कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, कोशिकाओं का आकार आप समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो यहाँ मानव शरीर की बात की गई है, ठीक है। तो ये मानव शरीर की यदि बात करता है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु की होती है। किसकी होती है, शुक्राणु की होती है। और यदि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछता है तो वो किसकी होगी, अंडाणु की। तो यहाँ देखिए, शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, और यह एक नर जनन कोशिका होती है। नेक्स्ट, सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है। तो सबसे लंबी की बात करता है तो वो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, ठीक है, जिसकी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। और ये तंत्रिका तंत्र आपको अच्छे से बता चुके हैं क्या होता है तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, यहाँ आप सब कुछ देख पाएंगे, मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स, जिसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल कहते हैं, ये होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएं कितने फीट लंबी हो सकती हैं। तो 3 फीट लंबी होती हैं। ये मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई होती हैं। नेक्स्ट है, ये विशिष्ट न्यूरॉन्स में एक सेल मॉर्फोलॉजी होती हैं, जिसे सोमा कहा जाता है। इनकी बाल के जैसी संरचनाएँ होती हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स या अक्ष तंतु कहा जाता है। न्यूरॉन्स पूरे शरीर में दिमाग के जरिए ज्ञान पहुँचाने में सक्षम होते हैं। न्यूरॉन्स में भी एक विशेषता, मोटर न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो ये और डीप में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, महिलाओं के शरीर में मानव अंडाणु, जो ह्यूमन एग है, जो कि एक अपवाद है, वास्तव में शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी शुक्राणु, सबसे लंबी तंत्रिका आपकी ऊतक, और ये सबसे बड़ी अंडाणु, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है,
महिला शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो अंडाणु है, अभी आपको बताया। अब देखिए, मानव अंडाणु ह्यूमन एग या अंड कोशिका जो कि एक अपवाद है, वास्तव में शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और इसे बिना सूक्ष्मदर्शी के हम देख सकते हैं। अन्य मानव कोशिका की तुलना में अंडे की कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं। वे व्यास में 10 माइक्रोन है जो कि 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्न में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका किस प्राणी जगत में पाई जाती है? तो प्राणी जगत का मतलब आपका जो 5 जगत वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा, 5 जगत जो वर्गीकरण है उसमें आप पढ़ते होंगे। सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा मोनेरा जगत, ठीक है, क्या पढ़ा? मोनेरा। फिर आपने पढ़ा होगा प्रोटिस्टा जगत, फिर आपने पढ़ा होगा कवक जगत, फिर आपने पढ़ा होगा जंतु जगत, और फिर आपने पढ़ा होगा पादप जगत। ठीक है, तो ये जो 5 जगत हैं इनमें से आपको बताना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो किस जगत के प्राणियों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जिसमें विभिन्न प्रकार के जो लक्षण अभी हमने देखे अनुपस्थित रहते हैं, तो वो जगत है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मोनेरा जगत। ठीक है, कौन सा है? मोनेरा जगत। अब इसमें जो आप मोनेरा जगत में जीवधारी पढ़ेंगे तो उनमें एक लक्षण आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप प्रोकैरियोटिक से तो वाकिफ हो गए, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक क्या है, तो जितने भी मोनेरा जगत में आपके जीवधारी आएंगे तो आप बता पाएंगे कि इनमें ये लक्षण होते हैं, इनमें माइटोकांड्रिया अनुपस्थित होता है, इनमें स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है। यही लक्षण तो आपको समझने हैं, तो चीज़ों को कोरिलेट करिए ताकि आप हर टॉपिक को आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, तो मोनेरा जगत में कौन से आपके कोशिकाएँ होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ होती हैं। मोनेरा जगत अच्छे से और डीप में पढ़ने के लिए आप 5 जगत वर्गीकरण देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी थ्योरी कवर करवाई है। यहाँ थोड़ा सा देखिए, वे कोशिकाएँ जिनमें अजैव पदार्थ या व्यर्थ उत्पाद का संचय होता है वो इडियोब्लास्ट कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा, निष्क्रिय परिवहन कहलाता है। तो ये डायरेक्ट हमने आपको इसका आंसर बताने का प्रयास किया है क्योंकि ये पिछली बार क्वेश्चन बना हुआ था। तो क्या कहलाता है निष्क्रिय परिवहन और क्या कहलाता है सक्रिय परिवहन? तो देखिए, जब अणु ऊर्जा की सहायता के बिना जीवन की इकाई कोशिका की झिल्लियों से गुजरते हैं, मतलब किसी ऊर्जा की सहायता के बिना ही जीवन इकाई कोशिकाओं की झिल्लियों से गुजरते हैं तो इसे निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। और सक्रिय परिवहन जब अणुओं को कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जाने के लिए, ठीक है, तो वो सक्रिय। सक्रिय का मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और निष्क्रिय में बिना ऊर्जा की सहायता के ही कोशिका झिल्लियों से गुजर जाना निष्क्रिय परिवहन कहलाता है। ठीक है, 1 मिनट। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में हम करेंगे पादप और जंतु कोशिकाओं से बनने वाले क्वेश्चन। यदि आपको सेशन पसंद आते हैं तो सेशंस को शेयर ज़रूर करें। कहीं पर भी आपका डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आप इससे अधिक और इसी टॉपिक पर क्वेश्चन को सर्च करिएगा बुक्स में, अपनी आपके पास में जो भी बुक्स है उससे इन क्वेश्चनों को और मतलब डीप में जाने का प्रयास करिएगा ताकि आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाएँ और आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ लें, आप उसको यहाँ पर लगा पाएँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे यहाँ निष्क्रिय सक्रिय परिवहन से ही हम समझ लें कि जैसे ये क्वेश्चन यहाँ हमने आपको बिल्कुल आसान भाषा में बता दिया, अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए वो लोग शब्दावलियों को चेंज करते हैं एग्जामिनर्स। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है, आपको समझ करके सबसे अच्छे तरीके से तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है, फिर जा करके आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, तो यदि आप केमिस्ट्री की क्लासेस देखना चाहते हैं थ्योरी वाली तो वो भी हमारी चल रही थी, उसमें भी आपका जो है पात्रता परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैटर को कवर करवाया गया है। सबसे पहले पदार्थ वाला टॉपिक है, पदार्थ के बाद परमाणु की संरचना क्या होती है, क्रमबद्ध रूप से आपको सारे सेशन देखने को मिल जाएंगे। तो अलग अलग दोनों की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, MPTET वर्ग 2 चयन परीक्षा बायोलॉजी, MPTET वर्ग 2 चयन परीक्षा केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स भी हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, और यदि आपको सेशन पसंद आते हैं तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।